मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इटखेड़ी में चल रहे 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन इज्तेमा में मुस्लिम धर्मगुरु लोगों को अपने बयानों के माध्यम से अच्छी सीख दे रहे हैं। शनिवार सुबह फजर की नमाज के बाद मौलाना शौकत साहब, जोहर के बाद मौलाना इकबाल हाफिज साहब, तो असर की नमाज के बाद मौलाना इलियास साहब ने बयान कर लोगों को ज़िंदगी और आखिरत के बारे में बताकर हमेशा नेक काम करने की बात कही। उधर 73वें आलमी तबलीगी इज्तिमा में देश भर से जमातों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इनकी संख्या शनिवार और रविवार को और बढ़ जाएगी। आखिरी दिन करीब 5,000 तक जमातें जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इज्तिमा में कई मुस्लिम धर्मावलंबी आए हैं जो कई इज्तिमाओं में शामिल हो चुके हैं, तो कई पहली बार आए हैं। 4 दिन में 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान है। इज्तिमा कमेटी के प्रवक्ता बदरुद्दीन खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते 2 सालों से धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध था। इस बार 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद यह आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला अन्य सालों की अपेक्षा इस बार ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के प्रकोप के चलते इस बार विदेशों की जमातों को बुलावा नहीं भेजा गया था, इसलिए सिर्फ इंडिया की ही जमातें शामिल हुई है। DCP हेडक्वार्टर विनीत कपूर ने बताया कि आयोजन में 2,500 पुलिस बल तैनात किया गया है। अन्य अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय से तैनात किया गया है। साथ ही शहरी और देहात क्षेत्र की टीम ने व्यवस्था संभालने में जुटी हुई है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। इस बार जो है 73वां इज्तिमा लगा हुआ है, 2 साल से कोरोना था, क्या असर पड़ा है इज्तिमे में बताएंगे? इज्तिमे में लोगों के आने के जो है वो ज़्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि 2 साल नहीं आ पाए वो, तो मोहब्बत करते हैं इससे सारे लोग, तो 2 साल नहीं हुआ तो ज़्यादा लोगों के आने की ख्वाहिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन अपन ने ज़्यादा बुलाई नहीं, बाहर से सारे MP के लोग आए हैं। अच्छा, इस बार विदेश से लगभग दूसरी जमातें नहीं आई हैं, तो कुछ असर पड़ा है? नहीं, दूसरी जमातों को अपन ने इसी कोरोना की वजह से नहीं बुलाया बाहर से, कि कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना हो यहाँ पर, इसलिए अपने बाहर से कॉल ही नहीं किया उन लोगों को, नहीं तो वो तो आते। सर, 2 साल के बाद में दोबारा ये अपने अवसर मिला है, किस नज़र से देखो आप इसको? पूरा बड़ी खुशी है सारे लोगों को कि एक अच्छी चीज़ थी जो चल रही थी और अब नहीं हुई। एक मैसेज था जो लोगों को दिया जाता था दुनिया के अंदर भाईचारे से ज़िंदगी गुजारने का और जो है मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी का, एक मैसेज यहाँ से जाता था, सब उसको लेते थे यहाँ से और दुनिया में फिरते थे, फिर उस मैसेज को लेकर उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। अब वो नहीं गया था तो लोग चाह रहे थे कि फिर से हो। ये इज्तिमे का आज दूसरा दिन है, लगभग कितने लोग अभी यहाँ पे क़याम कर चुके हैं, लगभग आपके हिसाब से कितने लोग आना बाकी है? इसके बारे में तो कोई पर्टिकुलर हमारे पास डाटा नहीं है, इसलिए कि लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, तो हम सही जवाब नहीं दे सकते इसका, कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं। अच्छा, तबलीगी जमात का क्या उद्देश्य है, और इस बार जो है आप लोगों ने टोटल शाकाहारी खाना रखा गया है पूरे जोनों में? तबलीगी जमात का उद्देश्य यही है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, कि दुनिया के अंदर भाईचारा का कायम हो, अमन कायम हो, परेशानियाँ लोगों की दूर हों, लोग प्यार मोहब्बत से रहें, ये मैसेज देते हैं यहाँ से। और टारगेट हमारा दुनिया नहीं होती, टारगेट हमारा आखिरत होता है, आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारना है कि मौत के बाद एक ज़िंदगी शुरू होने वाली है जो बहुत लंबी है, हमें वहाँ हमेशा रहना है, उसकी तैयारी का यहाँ से मैसेज दिया जाता है। रहा सवाल इसका कि हमने ये नॉनवेज को ख़त्म किया, उससे गारबेज ज़्यादा होता था और उसकी हैंडलिंग में भी परेशानी होती थी, इसलिए ये रखा है, इसका गारबेज ज़्यादा नहीं होता और जो होता है वो उसका यानी वो खाद वगैरह में यूज़ हो जाता है उसका, इसलिए हमने ये रखा है। सर, इज्तिमे का आज दूसरा दिन है, क्या सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, लगभग कितना बल यहाँ पे मौजूद है? करीब 2,500 बल अभी यहाँ पे लगाया गया है और प्रदेश स्तर से कई अधिकारियों को बुला करके यहाँ पे उनकी ड्यूटी भी पुलिस मुख्यालय द्वारा लगाई गई है। पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और देहात जिला भोपाल दोनों ने मिलजुल करके इस पूरी व्यवस्था को अंजाम दिया है। आगामी दिनों में 2 दिनों में और भीड़ बढ़ने की संभावना है, उसके अनुसार और बल की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी लगा दिया जाएगा। सर, ट्रैफिक की अगर बात करें तो डाइवर्जन को लेके क्या क्या डाइवर्जन यहाँ पे किए गए हैं हेवी व्हीकलों के बारे में? जी, हेवी व्हीकल्स को डाइवर्ट कर दिया गया है।
ताकि दो पहिया सवारी और जो जो हमारे पब्लिक व्हीकल्स हैं वो आ सकें आसानी से। ये देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर लोग दो पहिया सवारी से आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, और दूसरे जो लाइट व्हीकल्स हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आम जनता को दिक्कत ना हो इसके लिए ये ध्यान दिया जा रहा है कि केवल सवारी गाड़ियाँ ही और दोपहिया वाहनों को ही प्राथमिकता दी जाए और शेष बड़े व्हीकल्स को दूसरी रोड्स पर डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रैफिक का एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया गया है और हमें ये खुशी है कि इज्तिमा कमेटी के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स को भी लगाया गया, तो जो उन्होंने भी भागीदारी रखी है इस पूरे कार्यक्रम में कमेटी के द्वारा, और उनके वॉलंटियर्स भी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं और इससे एक बहुत अच्छी व्यवस्था लग पा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।